नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक कुमार यादव आईटीआई वाले चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में बनाने का मेन मकसद यह है कि जो हम लोगों रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्रों से जीएम पावर हम लोगों से छीन लिया गया है, उसके बारे में कुछ इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आप लोग यार वीडियो तो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो थोड़ा ये होता है कि अंदर से डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अखिल आईटीआई कौन करता है? आईटीआई दोस्तों वही करता है जिसकी पारिवारिक स्थिति कम सही होता है, वही लोग आईटीआई करते हैं। और आईटीआई करने के बाद उनकी ये सोच होती है कि हम रेलवे में जॉब ले लेंगे, लेकिन दोस्तों जब रेलवे भी ठुकरा देती है तो अखिल आईटीआई वाले बच्चे कहाँ जाए। अब बताओ, हम लोग चार चार साल से क्या 10-10 साल से पढ़ाई करके, अप्रेंटिसशिप भी करके, ट्रेनिंग करके भी हम लोग रेलवे में जॉब नहीं पा सकते हैं। जब बताओ क्या करें, आखिर कैसे हम लोग आखिर जॉब पाएंगे। अब ये समझ लो कि दोस्तों आईटीआई का जो लोकप्रियता है दिन के दिन इसीलिए घटती जा रही है कि यार अब जो है ना ये रेलवे जो है ना वो सब कुछ प्राइवेट करता जा रहा है। दोस्तों, मैं खुद यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ आरसीएफ में, हमने देख रहा हूँ यहाँ पे यार दोस्तों प्राइवेट वाले सब काम करके दे दे रहे हैं, गवर्नमेंट वाले काम तो यार कुछ नहीं, सब प्राइवेट वाले काम कर रहे हैं भाई। यहाँ पे जितना भी ये ट्रेन आप देख रहे हो ना, ये सब प्राइवेट वाले करके दे रहे हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे आरसीएफ में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लगभग यहाँ का काम जो है ना 60% प्राइवेट वाले काम करते हैं, बाकी 40% ही गवर्नमेंट संस्था रह गई है। यहीं पे बगल में दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, वंदे भारत का एक वर्कशॉप डाला जा रहा है, उसमें सब प्राइवेट वाले काम करेंगे, गवर्नमेंट वाले बहुत ही कम, मतलब जो पोस्टें होंगी वही लोग आएंगे, बाकी तो दोस्तों यहाँ पे पूरा काम प्राइवेट वाले। तब इसीलिए ये भी कारण है कि दोस्तों रेलवे अब जॉब नहीं देना चाहती है, सब काम प्राइवेट में करना चाहती है। तो रेलवे से मेरा एक ये भी दोस्तों अनुरोध है, अगर आप प्राइवेट ही रखना चाहते हो तो हम लोग को रख लीजिए, हम लोग अप्रेंटिसशिप किए हैं, ट्रेनिंग किए हैं, पढ़ाई भी किए हैं, थोड़ा सा जो हम लोग का ग्रेड पे है जो पैसा है थोड़ा कम कर दीजिए, 1000-2000 रुपये, लेकिन हम लोग को रखिए, परमानेंट जॉब दीजिए। तो दोस्तों, रेलवे से मेरी यही हुआ। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्रों को अगर रेलवे में समायोजित कर दिया जाए तो रेलवे का ऐसा कोई काम नहीं है जो रेलवे के अप्रेंटिस छात्र जानते नहीं हैं। मैं खुद दोस्तों रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ, मुझे इतना अनुभव हो गया है, मुझे जो जो यहाँ पे काम सिखाया जाता है और कराया जाता है, जो जो ट्रेनिंग दी जाती है, मैं खुद यहाँ के काम कर सकता हूँ। मैं ग्रुप डी की बात नहीं करता हूँ, मैं टेक्नीशियन जो लोग होते हैं ना उनका भी काम कर सकता हूँ, लेकिन रेलवे तब भी हम लोगों को मनाही रखती है और एक साल यहाँ पर ट्रेनिंग कराकर निकाल देती है दोस्तों, फिर उसके बाद हम लोग ऐसे ही बेरोजगार टलते रह जाते हैं और कुछ हम लोग का होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, बहुत ही मतलब ये समझ लो कि रेलवे से अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हो तो अब पुराने जैसा नहीं रहा, पुराने जैसे जो 2019 में लड़के भर्ती हो गए अब ऐसा सिस्टम। तो एक बात ये भी है, जब हम यहाँ से रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो ये अप्रेंटिसशिप में जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट बनती है, जब हम इस सर्टिफिकेट और मार्कशीट को कहीं प्राइवेट कंपनी में जॉब लेने के लिए जाते हैं तो प्राइवेट कंपनियां ये कहती हैं कि आपने तो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है तो हमारे यहाँ क्यों जॉब ले रहे हो, तो ये कहकर हम वहाँ से हमें हटा देती हैं और जॉब भी नहीं देती है। तो अब दोस्तों, अब बताइए हम लोग करें तो करें क्या और कहाँ जाएँ, आखिर जॉब हम लोग किससे मांगें? रेलवे से अप्रेंटिसशिप की हो तो रेलवे से ही जॉब मांगेंगे ना, लेकिन हम बच्चे ट्यूटर पे अभियान ये सब कुछ कर रहे हैं लेकिन रेलवे को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, रेलवे के डाटा के अनुसार 2022 में लगभग 1,83,000 कुछ लड़के पहले से ही रेलवे से अप्रेंटिसशिप के बैठे हुए हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं, और 2023 चल रहा है, 2023 में दोस्तों आप सोच लीजिए कि 50-60 हज़ार इस वर्ष भी लड़के अप्रेंटिसशिप करके निकलेंगे, तो लगभग हम अप्रेंटिसशिप वालों की संख्या 2 से 2.5 लाख होने वाली है। और अब सोच लो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करके ये 2.5 लाख कहाँ जाएंगे, सब बेरोजगारी बैठ जाएंगे, क्योंकि यार अगर 20% कोटा में अगर भर्ती होगा तो कितने लोगों का होगा, सिर्फ 20,000 ही होगा ना, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं, और बाकी लोग कहाँ जाएंगे, सब लोग बेरोजगार ही पड़े रह जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों, ये बात है कि अगर रेलवे 20% कोटा को हटाकर अगर 50% भी कर देती है ना तब भी हम लोगों के लिए कुछ भला हो जाएगा, लेकिन दोस्तों अब ये समझ लो कि हम लोग रेलवे भी पहुंचे ताकि गवर्नमेंट इस वीडियो को देखे और हम लोगों के लिए कुछ अलग एक कदम उठाए ताकि हम लोग का भला हो सके। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक देख रहे होंगे तो आप वीडियो देख ही लिए होंगे, और तो दोस्तों मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है, हम अप्रेंटिसशिप वालों का किस प्रकार से कटअप बनता है, किस प्रकार से एग्जाम होता है, किस प्रकार से कटअप मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, तो उसके लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए दोस्तों।
तो दोस्तों मैं अब वीडियो समाप्त करता हूँ, तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।